और यहाँ आपको बताएं, इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के एक और रुक ने इस्तीफा दे दिया। साकिब शेरानी एईसी की रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। साकिब शेरानी का कहना है कि इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया है। इससे कबल आतिफ मियाँ, इमरान रसूल और आसिम एजाज भी रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। तो आपको आगाह करेंगे, एक बार फिर जो है एक और इस्तीफ़ा सामने आया है। इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के एक और रुकन ने अब इस्तीफ़ा दे दिया है। साकिब शेरानी EAC की रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं और साकिब शेरानी का कहना है कि इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया है। इससे कबल आतिफ मियाँ, इमरान रसूल और आसिम एजाज भी रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। तो आपको बताते चलें, इक्तिसादी मुशावरती काउंसिल के एक और रुकन ने इस्तीफा दे दिया है। साकिब शेरानी EAC की रुकनियत से मुस्ताफी हो गए हैं, जबकि साकिब शेरानी का कहना है कि इस्तीफा ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर दिया, जबकि इससे कबल आतिफ मियाँ, इमरान रसूल और आसिम एजाज भी रुकनियत से मुस्ताफी हो चुके हैं। जी बिल्कुल, एक और इस्तीफा सामने आया है। इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के एक और रुकन ने इस्तीफा दे दिया है।